अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक और खैर खैरियत से होंगे। जी अल्लाह का शुक्र, करम अल्लाह पाक का, मैं बिल्कुल ठीक और खैर खैरियत से हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको कर्लीव बनाना सिखाऊंगी कि आप इसकी ड्राइंग किस तरह से कर सकते हो, क्या बेसिक रूल हैं कर्लीव के और कर्लीव बोलते किसको। जी हाँ, आपने वैसे चिनार का ट्री देखा होगा, उसका लीव जो है वो भी कर्व में होता है। अंगूर, ग्रेप्स यानी जो फ्रूट है उसका भी लीव जो है वो कर्व में ही होता है। वैसे आज मैं आपको सिंपल कर्व लीव की ड्राइंग बताऊंगी कि आप किस तरह से सिंपल कर्व लीव ड्रा कर सकते हो, ठीक है। बेसिक रूल इसके ये हैं, ये देखें, आपने जब स्टार्ट करना है तो इधर से यहाँ तक इसको राउंड ले लें, ठीक है। यहाँ तक आपने ले लिया, फिर इसको राउंड ले लें, टू राउंड हो गए, ये कर्व होते हैं, ठीक है। अब एक और, ये थ्री कर्व हो गए। अब इसको इस तरह से लीव को आगे ले जाते हैं। अब ये देखें, एक साइड इसकी कंप्लीट हो गई है, अब दूसरी साइड, यहाँ तक एक कर्व कंप्लीट हुआ, ठीक है, यहाँ दूसरा और ये तीसरा कर्व कंप्लीट, और इस लीव को यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। अब मिड में एक लाइन लगाएं, यहाँ पर जैसे लीव में अमूमन होती हैं छोटी छोटी लाइंस, आप यहाँ पर लाइंस ड्रा कर दें इस तरह से, इनको लाइंस की शेप दे दें। ये कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं परमानेंट मार्कर से हाईलाइट करती हूँ, ब्लैक कलर का परमानेंट मार्कर है, ये देखें, इसकी मैंने ये वन साइड हाईलाइट कर दी और ये सेकेंड दूसरी साइड है, कंप्लीट हो गई है यहाँ तक। अब ये देखिए इनर साइड कंप्लीट करते हैं, कुछ छोटी कुछ बड़ी लाइन मिक्स हो सारी, ये देखिए ये कंप्लीट हो गया। अब ये देखिए, ना ही ज़्यादा ये चिपटा है और ना ही ज़्यादा ये लेंथ वाइज है, इक्वल है, ठीक है, दोनों साइड से भी इक्वल है और इनर साइड भी इसकी सही है, यानी कि ये देखिए लाइंस भी कुछ छोटी हैं कुछ बड़ी हैं, सारी सेम नहीं है। आप अमूमन देखें भी पत्तों को तो उनकी लाइंस सारी सेम नहीं होती, यानी उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता ही है। जी अब इसमें कलर कर लेते हैं, दूसरा कलर ले लेती हूँ, ये थोड़ा फिनिश हुआ हुआ है। इनर साइड से इसको कंप्लीट कर लें, यहाँ से भी अच्छी तरह से कलर कर लेंगे इसको। ये जस्ट ड्राइंग है, इसमें कटिंग और इसको टर्न करके डेकोरेशन पीस में लगाना ये आप कर सकते हैं, कटिंग नहीं करें, वैसे भी ये पूरा पेज ये ड्राइंग है। आप इसको किसी फ्रेम में लगा सकते हैं, वैसे जो स्टैंड वाले फ्रेम होते हैं उसके साथ पेस्ट कर सकते हैं। जी ये देखें कंप्लीट हो गया, ये आप इसका आउटलाइन चेक करें, ब्लैक कलर से मैंने की है आउटलाइन, ब्लैक कलर से इनर ग्रीन कलर है। आप ये देख लें, ये प्रोमिनेंट यानी कि वाज़ह तौर पे नज़र आ रहा है इसका आउट कलर, आउटलाइन कलर। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अब इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।